तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो हाल ही में बयान दिए हैं, वो बांग्लादेश की नींद को गायब कर देगा। उनका कहना है कि जो भी बांग्लादेशी बिना पूछे हमारे घर भारत में आ गए हैं, उन्हें हम पकड़ पकड़ के बाहर करेंगे और सजा देंगे। अमित शाह जी ने कहा कि उन्हें उल्टा लटका कर सजा दी जाएगी। अब आप ही सोचिए, ये तो सीधा संदेश है, मेरे घर में घुसोगे तो उल्टा लटकोगे। ये पहली बार है जब अमित शाह ने ऐसे सख्त अंदाज में कुछ कहा है। वैसे भी भारत बांग्लादेश के बीच इन दिनों बहुत से मुद्दे लटक रहे हैं, चाहे वो सीमा सुरक्षा हो या तीस्ता नदी का पानी। अभी तक इन मुद्दों पर कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन अब अमित शाह जी की ये चेतावनी तो लग रहा है कि मुद्दों को हिलाकर रख देगी। लोग कह रहे हैं कि ये बयान बस चुनावी प्रचार के लिए नहीं है, बल्कि इससे बांग्लादेश की यूनुस सरकार की रातों की नींद उड़ सकती है। वहीं बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बीएनपी ने हाल ही में कहा कि यूनुस भाई को तो सरकार में कुछ बदलाव के लिए नहीं लाया गया था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो यूनुस जी की बगावती हरकतों पर भी सवाल उठाए गए। पूरी अपडेट हम आज के इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो हर दिन लाते रहते हैं। तो कुल मिलाकर अमित शाह ने ऐसे शब्दों में बांग्लादेश को चेतावनी दी है जैसे कोई मोहल्ले का लीडर बोल रहा हो, तुम्हारी एक एक हरकत पर नजर है, सुधर जाओ वरना उल्टा लटकना पड़ेगा। बांग्लादेश में हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां ऐसा दावा किया गया कि जो छात्र आंदोलन हुआ वो सिर्फ छात्रों का कारनामा नहीं था, इसमें विरोधी दल और कुछ विदेशी ताकतों का भी छोटा मोटा हाथ हो सकता है। मतलब ये लोग बिना बैनर के शेख हसीना सरकार को हटाने में लगे थे। अब बीएनपी वालों ने कहा, हमने पिछले 17 सालों से मेहनत की है, मुकदमे झेले हैं और हमारे लोग तो जेल की चक्की तक पीस रहे हैं। बीएनपी के कार्यकर्ता और सदस्य इस दौरान बेहद कठिन समय से गुजरे हैं। पिछले 1.5 महीने के इस अंतिम संघर्ष में हमारे 422 कार्यकर्ता शहीद हो गए। इसी बीच चकमा समुदाय वाले भी बोल पड़े, हम पर तो सेना ने जुल्म किया है, और उन्होंने भी जगह जगह सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। अब बांग्लादेश के प्रमुख सलाहकार ने भी बोला कि इस सब के पीछे विदेशी शक्तियों का हाथ है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अब मोहम्मद यूनुस को 1 सेकंड का भी टाइम देना जरूरी नहीं समझ रहे। बांग्लादेश के कुछ लोग दिन रात भारत के खिलाफ बोलते रहते हैं। अब बांग्लादेश की हालत ऐसी हो गई है कि उनका सरकार खुद को बचाने के लिए भारत से रिश्ते बनाए रखने पर मजबूर हो गई है। मतलब हिलसा मछली की दावत तो भेजनी ही पड़ेगी, लेकिन बीच में नाहिद साहब आते हैं और ऐसा बयान ठोक देते हैं कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास पड़ने वाली है। अब बीएनपी पार्टी वालों ने भी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहां उन्होंने सीधे सीधे कहा, यूनुस भाई, आप तो बिना किसी क्रांति के सत्ता में आ गए हो, तो क्रांति का असली मतलब क्या होता है आपको क्या पता? बीएनपी वालों का कहना है कि यूनुस साहब और उनकी टीम ने तो कभी झंडा लेकर आंदोलन भी नहीं किया, तो अब सत्ता चलाने का क्या तजुर्बा होगा? बीएनपी ने तो साफ कर दिया कि बांग्लादेश के लोग अब यूनुस को सत्ता में देखना नहीं चाहते, और जो आर्थिक हालात हो रहे हैं उसके लिए भी यूनुस साहब की राजनीतिक अक्ल को जिम्मेदार ठहरा दिया। कुछ दिनों पहले तो संविधान बदलने पर यूनुस भाई पर वार हुआ था, अब उनकी गद्दी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मामला इतना गंभीर हो गया है कि यूनुस साहब को अब समझ में आ रहा है कि राजनीति में दिमाग घुमाने के लिए भी तैयारी चाहिए। उधर बांग्लादेश की सरकार धीरे धीरे संकट की ओर बढ़ रही है और भारत बांग्लादेश के रिश्ते भी खटाई में पड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ऐसी बन रही है कि मोहल्ले की राजनीति में कोई नया बंदा आ गया और अब पुराने खिलाड़ी उसे समझा रहे हैं, भाई ये राजनीति है, यहाँ बिना क्रांति के कुर्सी नहीं जमती। मामला ये है कि भारत अब बांग्लादेश को सीधा सीधा कह रहा है, देखो भाई हमारी चुप्पी को कमजोरी मत समझो, अगर बांग्लादेश ने अपनी हरकतें नहीं सुधारी और घुसपैठियों को रोका नहीं तो भारत धीरे धीरे उनके साथ व्यापार बंद करने की भी सोच सकता है। अमित शाह ने भी बोल दिया कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए तार पार कर हमारे यहाँ आ गए हैं, उनको एक एक करके पकड़कर बाहर निकाला जाएगा। अमित शाह ने तो यहाँ तक कह दिया कि झारखंड में अगर हमारी सरकार आई तो घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर फेंकेंगे। वैसे भी बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की गिनती इतनी बढ़ गई है कि अन्य एशियाई देशों में ऐसा नजारा देखने को नहीं मिलता। एक सर्वे में बताया गया कि दुनिया में करीब 280 मिलियन लोग एक देश से दूसरे देश जाते हैं
और इस लिस्ट में बांग्लादेश का 6ठा नंबर है। अब सोचो, अगर भारत ने इन घुसपैठियों के लिए दरवाजा बंद कर दिया तो बांग्लादेश की हालत तो और भी टाइट हो जाएगी। अब दूसरा मजेदार मामला है पत्रकारों का। बांग्लादेश में पत्रकारों पर ऐसे ऐसे मुकदमे चल रहे हैं जैसे वो कोई बड़े गुनाहगार हों। शेख हसीना की सरकार के करीबी पत्रकारों पर आरोप लग रहे हैं और मजे की बात ये है कि कई ऐसे पत्रकारों पर केस कर दिया गया जो घटना स्थल पर थे ही नहीं। मतलब एक पत्रकार तो घटना के वक्त कहीं और था, लेकिन उसके खिलाफ भी केस दर्ज कर दिया गया। अब आप ही सोचो, ऐसी कॉमेडी वाली स्थिति तो केवल राजनीति में ही हो सकती है। तो कुल मिलाकर भारत ने बांग्लादेश को साफ संकेत दे दिया है कि अगर बांग्लादेश ने घुसपैठियों को काबू नहीं किया तो उनके लिए बड़ा झटका तैयार है। और बांग्लादेश में पत्रकारों की स्थिति देखकर लगता है कि वहां के पत्रकारों के भी अच्छे दिन अभी दूर हैं। तो भैया, बांग्लादेश में हालात कुछ ऐसे हैं कि पत्रकारों का सत्ता के करीब होना वैसे तो कोई नई बात नहीं है। आखिरकार पत्रकार खबरें बनाते हैं और जनता तक पहुंचाते हैं, लेकिन अब अगर इन्हें फांसीवादी सरकार का समर्थक कहकर टारगेट किया जाए और शेख हसीना के दोस्त होने के नाते उनके खिलाफ मुकदमे दायर कर दिए जाएं, तो ये तो सीधा सीधा गड़बड़ है। लोकतंत्र में ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। अब बांग्लादेश के बड़े बड़े सलाहकार भी बोल पड़े हैं। नाहिद साहब कह रहे हैं कि जो कवि, साहित्यकार और पत्रकार फांसीवादी सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें भी कोर्ट ले जाकर सजा दिलाई जाएगी। सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे अचानक कोई जज पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कह दे, चलो आज तुम्हारा केस यहीं निपटाते हैं, कोई कानून व्यवस्था का ख्याल नहीं, बस जो मन में आया बोल दो। अब इस पर सवाल तो उठने ही हैं कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। इतना ही नहीं, नेताओं ने तो यहाँ तक तय कर लिया है कि किसके खिलाफ केस करना है और कौन अपराधी है। भाई, ऐसा तो अच्छे खासे कानून में भी नहीं चलता, पर यहाँ ये भी हो रहा है। अब हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि बांग्लादेश की राजनीति और कानून व्यवस्था दोनों ही डावांडोल हो गए हैं। ये सिर्फ कानूनी सिस्टम का मुद्दा नहीं है, बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक संकट भी है। यूनुस सरकार के लिए इस सबसे बाहर निकलना सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है, खासकर जब विपक्षी पार्टियां भी सपोर्ट नहीं कर रही हैं। और हाँ, भारत ने भी साफ कर दिया है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होते रहे और वो भारत की तरफ आए तो भारत बांग्लादेश को कड़ा जवाब देगा। अमित शाह का ये बयान वैसे ही आग में घी का काम कर सकता है और दोनों देशों की राजनीति में नई हलचल मच सकती है। तो कुल मिलाकर कहानी ऐसी है कि जहां एक तरफ राजनीति गरमा रही है, वहीं दूसरी ओर पत्रकारों की हालत और भी खराब हो रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का पता चल सके। इसी तरह की और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।